हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। तो आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स हिंदी मीडियम का, और हम पढ़ रहे हैं कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। और आज पार्ट टू पर हम बात करेंगे। पार्ट वन में हमने घूर्णी गति का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। द्रव्यमान केंद्र आपने देखा, द्रव्यमान केंद्र के बाद मैंने आपको टार्क के बारे में बताया, बलाघूर्ण के बारे में बताया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अब हम एंट्री करने वाले हैं, वो है जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं जड़त्वाघूर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। देखो, जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है। हमारे पास सपोज कोई रिजिड बॉडी है, कोई दृढ़ पिंड है, और उस दृढ़ पिंड पर हमने बल आघूर्ण लगाया, बल युग्म लगाया। आपको मैं पिछले टॉपिक में पढ़ाया कि यदि किसी पिंड पर हम बल आघूर्ण लगाएं या बल युग्म लगाएं, दो बल एक साथ लगाएं, तो वो क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है। तो जड़त्व आघूर्ण का कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये कोई वस्तु है, और इस वस्तु के अलग अलग पार्टिकल्स के आपको पता है सबके क्या है, द्रव्यमान अलग अलग है। सपोज यहाँ पर कोई M1 द्रव्यमान का पिंड है, यहाँ पर सपोज M2 द्रव्यमान का पिंड है, यहाँ M3 द्रव्यमान का पिंड है, ये मैंने आपको बताया था। और ये सपोज इसका घूर्णन अक्ष है। अब इसकी दूरी यहाँ से, इसकी दूरी मान लो R1 मान लिया हमने, इसकी दूरी हम यहाँ से मान लो R2 मान लिए, यहाँ से इसकी दूरी मान लो हमने R3 मान लिया। अब इस पार्टिकल को, इस बॉडी को यदि हम क्या करें, रोटेट कराएं, घुमाएं बल युग्म लगा के, तो बल युग्म का आघूर्ण एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। और इसका मतलब होता है, जैसे पहले पार्टिकल के हम बल युग्म के आघूर्ण के बारे में बात करें, तो मान लो मैं उसको I1 कहूँ, तो I1 जो होगा वह M1 इंटू R1 स्क्वायर के बराबर होता है। दैट मीन्स जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या होता है, किसी कण का, अभी हम कण के बारे में बात कर रहे हैं, पिंड के बारे में नहीं, किसी कण का जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान और घूर्णी अक्ष से उसकी दूरी, घूर्णी अक्ष से उसकी दूरी, यह रोटेशनल एक्सिस है, यहाँ से इसकी दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब I1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं M1 R1 स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे पार्टिकल के लिए लिखें, तो I2 इक्वल टू लिख सकते हैं M2 इंटू R2 स्क्वायर। तीसरे पार्टिकल के लिए लिखें तो I3 इक्वल टू M3 इंटू R3 स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से जितने भी कणों से ये पार्टिकल बने हैं, सब के लिए हम जड़त्वाघूर्ण को ऐसा लिख सकते हैं। अब सपोज हम इसके पूरे पिंड के जड़त्वाघूर्ण की बात करें, तो पूरे पिंड का जो जड़त्वाघूर्ण होता है I, वह सभी के जड़त्वाघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर हम यदि इसके वैल्यूज को पुट कर दें, तो I1 क्या है अपने पास, M1 इंटू R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। दैट इम्प्लाइज I इक्वल, इस तरह से यदि ये n पदों तक है, मान लो ये n पदों तक है, n पार्टिकल हमने मान लिया मान लो, तो IN इक्वल टू MN इंटू RN स्क्वायर। तो लास्ट टर्म हम क्या लिखेंगे, MN RN का स्क्वायर। अब यदि हम इसको सिग्मा नोटेशन में, सिग्मा मतलब होता है सम, सिग्मा नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर हम सिग्मा का निशान लगाएंगे, ये सिग्मा होता है, और इसको लिख सकते हैं MR स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने लिख दिया MIRI, और I का वैल्यू हम यहाँ पर बताएंगे कि I का वैल्यू स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से, और कहाँ तक जाता है, N तक, ये इसका लिमिट कहलाता है, ये सिग्मा लिमिट कहलाता है। इस प्रकार से MI
आर आई का स्क्वायर, जहां पर आई वन से एन तक होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया का सिग्मा नोटेशन। या इसी को हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई इक्वल ये सिग्मा एम, मतलब संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान। और यदि हम संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान को कैपिटल एम मान लें तो ये लिख सकते हैं कैपिटल एम, और पूरे त्रिज्या को तो आर, तो एम आर स्क्वायर। इस प्रकार से आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, ये कहलाता है जड़त्वाघूर्ण। क्लियर? तो जड़त्वाघूर्ण का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान और घूर्णी अक्ष से उसके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो रेडियस है वो कौन सी घूर्णी अक्ष है, ये रेडियस है, ये किसकी दूरी क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको आगे पढ़ना होगा घूर्णन त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ गायसन। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं घूर्णन त्रिज्या। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ ग्रायसन। ये क्या होता है, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ ग्रायसन। घूर्णन त्रिज्या का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई पिंड है, इस प्रकार से भी मैंने बताया कि ये कोई पिंड है, और इस पिंड का सपोज ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, और इस रोटेशनल एक्सिस में हमने इमेजिन किया कि सपोज ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, और ये पूरा पिंड जो है वो घूर्णी गति कर रहा है, अपने अक्ष के सापेक्ष गोल गोल घूम रहे हैं। तो इसका रेडियस, यहाँ से जो दूरी होगा, मतलब इसका जो रोटेशनल एक्सिस है, मतलब इसका जो घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी है, उसको हम कहते हैं घूर्णन त्रिज्या। इस प्रकार से आप समझ सकते हो घूर्णन त्रिज्या। देखो अभी मैंने आपको बताया कि पूरा पिंड छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे द्रव्यमान से मिलकर बना है, और सबकी अपनी अलग त्रिज्या है, सबका अपना अलग दूरी है घूर्णन अक्ष से। लेकिन यदि हम संपूर्ण पिंड पर बात करें तो भाई पिंड का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होगा, तो आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस मान लो घूर्णन अक्ष से k है, तो ये k को हम कहेंगे घूर्णन त्रिज्या। मतलब घूर्णन त्रिज्या का मतलब होता है घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी। जो रेडियस का रोल है, वही इसका रोल है। इसलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया को देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, एम आर स्क्वायर को एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। दैट इंप्लाइज, इसको आगे हम सॉल्व करें तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आई अपान एम, के स्क्वायर टू आई अपान एम हो जाएगा, और दैट इंप्लाइज के इक्वल टू आप लिख सकते हो रूट ऑफ आई अपान एम। तो ये ध्यान रखना के इक्वल टू रूट ऑफ आई अपान एम, ये क्या है, घूर्णन त्रिज्या निकालने का फार्मूला है। क्लियर? ये है घूर्णन त्रिज्या। एक एक करके मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताते जा रहा हूँ। आज के क्लास में हम छोटे छोटे फार्मूला पढ़ेंगे बहुत से, इसके बाद का जो क्लास होगा वहाँ पर फिर हम डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए, अलग अलग पिंड के लिए जड़त्वाघूर्ण की गणना करेंगे। ये आपको क्लियर घूर्णन त्रिज्या। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट घूर्णन गतिज ऊर्जा। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500, वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। देखिए इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स 3 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे और आपको
बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा और सबसे अच्छी बात आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप वहां पर अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके, थैंक यू। घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, इसको हम कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है जैसे हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, रैखिक गतिज ऊर्जा होता है, उसको यदि हम घूर्णी गति के लिए बदल दें तो हमको मिल जाएगा घूर्णन गतिज ऊर्जा। चूंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², ये हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, दैट इंप्लाइज आगे इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 1/2 m और v को जानते हैं v इक्वल टू होता है r(ω² हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है v इक्वल टू r(ω), ये लिख दिया हमने, दैट इक्वल आगे इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m और ये लिख सकते हैं r² (ω² दैट इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर आप देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या I, अभी हम पढ़ रहे हैं ये I के इक्वल होता है तो इस प्रकार से इसको I लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 i(ω² ये होता है इसका काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 i(ω² तो ये होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी मैं एक एक करके आपको जो रिलेशन बताते जा रहा हूँ फिर बाद में हम ये सभी संबंधों पर आपस में रिलेशन देखेंगे। ये है घूर्णन गतिज ऊर्जा। ओके, घूर्णन गतिज, एक एक टॉपिक में एक एक कॉन्सेप्ट को आपको बताते जा रहा हूँ, ये फार्मूला भी आपको याद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोणीय संवेग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोणीय संवेग। ये थोड़ा ध्यान से समझना, कोणीय संवेग आपको पता है, रेखीय संवेग हम पढ़ चुके हैं, इसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे रेखीय संवेग आपको पता है रेखीय संवेग बराबर p बराबर होता है m(v), किसी पिंड के द्रव्यमान और दूरी के गुणनफल को हम रेखीय संवेग कहते हैं। लेकिन कोणीय संवेग का मतलब क्या होता है, पहले हम एक फिगर ड्रा कर लें और फिगर के बेस पर फिर हम उसको आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले अपन तीन अक्ष, यहाँ पर मैं प्रॉपर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रा करके तीन अक्ष आपको बता दूं, ये सपोज 3 एक्सिस है हमारे एक्स वाई और जेड, क्लियर। अब यहां पर सपोज एक कोई पॉइंट है, ये सपोज एक कोई पॉइंट है, ये पी पॉइंट अभी मैं लिखता हूं उसको, उस पी पॉइंट पर किसी पार्टिकल के हमको यहां पर एक पी पॉइंट है और इस P बिंदु पर हमको कोणीय संवेग जानना है। तो इसका मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इसका दूरी है सदिश R, वेक्टर R के फॉर्म में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सपोज X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है, क्लियर। अब यहाँ पर चूंकि हमको जानना है कि इसके कोणीय संवेग क्या है तो हम उसमें रेखीय संवेग की वहाँ पर हम दिशा बता दें। सपोज मैं रेखीय संवेग की दिशा आपको बता रहा हूं इस तरह से, ये इसके रेखीय संवेग की दिशा है,
मान लो ये इसके रेखीय संवेग की दिशा है, क्लियर, ये हमने बता दिया इसके रेखीय संवेग की दिशा, इस दिशा में रेखीय संवेग की दिशा है। अब यहां से हमको क्या होता है कि कोणीय संवेग का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो कोणीय संवेग का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं और जे इक्वल टू होता है उस पिंड कोणीय संवेग का, उस पिंड का रेखीय संवेग जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, और उस कण का मूल बिंदु से लंब दूरी, जो कि यहाँ पर लंब दूरी हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको एक लंब डालना पड़ेगा लंब दूरी को दिखाने के लिए, क्लियर। तो यहाँ पर हम एक लंब दूरी डालते हैं, इससे यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको डालना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं उसको दूसरे कलर से सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ डिस्टेंस को, ये लंब आपको दिखना चाहिए ना, लंब दूरी लंब लगना चाहिए, ये लंब दूरी है। तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, सपोज पॉइंट का नाम हम यहाँ पर दे देते हैं, ये ओ ए और ये है बी। तो ओ बी यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये लंब दूरी है, यहाँ पर हमने लंब खींचा है, 90 अंश का लंब खींचा है, 90 अंश का कोण है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू हो जाएगा जे का, वो पी इंटू ओ बी होगा, ये पी इंटू ओ बी, क्योंकि कोणीय संवेग का फार्मूला होता है रेखीय संवेग गुणित कण की लंबवत दूरी, मूल बिंदु से उसकी या उस अक्ष से उसकी लंबवत दूरी। अब यहाँ पर हमको OB का मान निकालना है, तो देखो हम यहाँ से OB का मान निकालते हैं इस समकोण त्रिभुज में, देखो त्रिभुज OAB में, क्लियर, त्रिभुज OAB में, इस त्रिभुज में आप देखो यहाँ से यदि ये थीटा है, ठीक है, यदि हमने किसी एक एंगल को थीटा ले लिया, सपोज ये थीटा एंगल है, या थीटा लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से डायरेक्ट निकाल देता हूं इसको, जरूरत नहीं है, सीधा हम एबी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। थीटा डिग्री बना के जाता है, वो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा तो लेना पड़ेगा, एक मिनट, सपोज ये इस अक्ष के साथ में थीटा कोण बना के जा रहा है, ठीक है, एक मिनट, थीटा ओबी अपन थीटा का साइन 90, वो भी अपन ओ ए, ठीक है, इसको हम थीटा लेते हैं, अरे यही गायब हो गया, एक मिनट, ये मैं ड्रा कर देता हूँ, अगेन ड्रा कर देता हूँ उसको, चलो कोई भी दूसरे कलर से ड्रा कर देते हैं उसको, इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ना, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है इस पर, यहां से हम साइन थीटा निकालें, तो लंब क्या है अपने पास OB, क्लियर, ये थीटा डिग्री एंगल लेंगे इसको अपन, ये थीटा है सपोज, इसके साथ में बनाएगा कोण थीटा है, क्या वहीं पर लिखा जा रहा है ना, ये है थीटा, ध्यान रखना, तो साइन थीटा तो लंब ये होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी बटे कर्ण, बेसिकली हमको ये डिस्टेंस लेना है ओ ए, तो ये कर्ण होगा क्योंकि 90 का सामने वाला कर्ण होता है, तो ओ बी अपान क्या हो जाएगा, ओ ए, दैट इंप्लाइज यहां से हम ओ बी का वैल्यू निकालना चाहें तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा ओ ए इंटू साइन थीटा, क्लियर, ओ बी इक्वल टू ओ ए इंटू साइन थीटा। इस मान को हम यहाँ पर पुट अप कर दें तो देयर फॉर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से जे इक्वल पी इंटू ओ बी का वैल्यू, और ओ इसको एक बार और मैं लिख दूँ, ओ ए का मान क्या है यहाँ पर देखो, आर है, ओ ए का वैल्यू क्या है, आर, अभी परिमाण लिख रहे हैं, तो हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर देयर फॉर जे इक्वल टू पी, यहाँ से ना अब इस रिलेशन को लिख रहा हूँ, तो ओ बी के मान को यहाँ पर भर देंगे तो हो जाएगा आर साइन थीटा, तो जे इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू आर साइन थीटा। और ये जो फार्मूला आया है एक्चुअल में ये फार्मूला क्या है, कोणीय संवेग का फार्मूला है, लेकिन चूंकि हमको पता है सदिश से आपको पता है
कि ए क्रॉस बी जो होता है, सदिश ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। ये आप फार्मूला जानते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो इस तरह से, देयरफॉर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो वेक्टर जे इक्वल टू लिख सकते हैं आर क्रॉस पी। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं जे इक्वल टू आर क्रॉस पी, और ये इसका सदिश रूप होता है, ये इसका सदिश रूप होता है, कोण के रूप में ये होगा। और सामान्य रूप से यदि हम इसको लिखना चाहें तो J इक्वल टू पी इंटू आर करके भी हम लिखते हैं, लेकिन यह सदिश रूप में नहीं, सदिश रूप में ऐसा लिखा जाएगा इसको, क्योंकि कोणीय संवेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्लियर? तो ये है कोणीय संवेग का कॉन्सेप्ट। कोणीय संवेग बोलने से आपको ध्यान में सीधा आना चाहिए रेखी संवेग गुणित कण से रोटेशनल एक्सिस की लंबवत दूरी। ये इसका घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है। सपोज ये क्या है, y एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से इसके अबाउट वो रोटेट होगा, तो ये दूरी अपन लेंगे। चलिए अब इसके बाद हम कुछ संबंधों को, छोटे छोटे संबंधों को आपस में कोरिलेट करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण संबंध करके हम आगे टॉपिक देखते हैं, और इन संबंधों को आपको आगे के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सम इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण संबंध। कुछ महत्वपूर्ण संबंध, कुछ महत्वपूर्ण संबंध मतलब अभी हमने जितने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े हैं उनमें हम एक एक करके संबंध देखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन करते हैं, सबसे पहले टा तथा अल्फा में। सबसे पहले हम संबंध देखते हैं टा तथा अल्फा में। टा और अल्फा में क्या संबंध होते हैं, ये जितने संबंध मैं आपको चार पांच संबंध बताऊंगा, ये संबंध को बहुत अच्छे से तैयार करना है, आगे न्यूमेरिकल के लिए भी काम है, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं भी काम आएगा दूसरे फार्मूला को डिराइव करने में। इसलिए मैं उसका एक जगह कलेक्शन दे रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण संबंध। इनको यदि मैं अलग अलग पढ़ाता, एक को कहीं और, एक को कहीं और, एक को कहीं और, तो वो आपके पास ढंग से समझ में नहीं आता। इसलिए महत्वपूर्ण संबंधों को मैं एक ही जगह आपको बता रहा हूँ। तो कुछ महत्वपूर्ण संबंध में सबसे पहले टा और अल्फा में हम संबंध देखते हैं। तो देखिए, हमको पता है कि चूंकि टा इक्वल टू हमने पढ़ा है एफ इंटू डी, या यहाँ पर हम उसको संकेत आर के रूप में ले रहे हैं, तो बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये होता है बल आघूर्ण। तो टा इक्वल टू होता है एफ इंटू आर, दैट इम्प्लाइज आगे यदि हम इसको सॉल्व करें तो टा इक्वल टू एफ को हम लिख सकते हैं एम इंटू ए, एफ को हम क्या लिख सकते हैं एम इंटू ए, एम इंटू ए इंटू आर, दैट इम्प्लाइज बहुत आसान है, सब पीछे पढ़े हुए फार्मूला का यूज है। टाई इक्वल टू एम, और ए क्या है यहाँ पर, रेखी त्वरण है। रेखी त्वरण और कोणीय त्वरण में हमने संबंध पढ़ा है ए इक्वल टू होता है अल्फा इंटू आर, या आर अल्फा इंटू आर हो गया। दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं टाई इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, दैट इम्प्लाइज टाई इक्वल टू हो जाएगा, इसको आई लिख सकते हैं तो आई इंटू अल्फा। इस प्रकार से यहाँ से हमको एक संबंध मिलता है टा इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये है टा और अल्फा में संबंध, टा इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये बहुत महत्वपूर्ण संबंध है और इसका आगे बहुत यूज होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर का हम रिलेशन देखते हैं। सेकंड संबंध मैं निकाल रहा हूं जे के, जे से पहले संबंध को निकाल दो, उसके बाद किसके किसके बीच में संबंध आया इसको अपन देखेंगे। देखो, चूंकि जे बराबर अभी हमने पढ़ा पी इंटू आर, अब उसको सदिश रूप में नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐसा सामान्य रूप में भी लिख सकते हैं अपन, तो जे इक्वल टू पी इंटू आर, दैट इम्प्लाइज जे इक्वल टू पी को हम लिख सकते हैं एम इंटू वी और इंटू आर, दैट इम्प्लाइज जे इक्वल टू एम और वी को लिख सकते हैं क्या आर इंटू ओमेगा इंटू आर हो गया, दैट इम्प्लाइज जे इक्वल टू ये एम आर, इसको मल्टीप्लाई करें तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, दैट इम्प्लाइज ये जे इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ये आई हो जाएगा, ये हो जाएगा जे इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं। अब ये किस पे रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया आपका जे तथा ओमेगा में, ये जे या आई में रिलेशन कहना चाहिए एक्चुअल में, इसको महत्वपूर्ण टर्म्स यहाँ पर ओमेगा नहीं आई है,
जे तथा आई में संबंध हो गया, तो जे इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा। क्लियर। अब हम कुछ नया रिलेशन देखना चाहें तो देखो, थर्ड नंबर में काइनेटिक एनर्जी को लेके हम रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को लेके। तो अभी हमने पढ़ा है चूंकि के इक्वल टू, के को मैं काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूँ, ठीक है, तो पूरा लिख दो के यहाँ पर, रेडियस ऑफ ग्रेवेशन के साथ भी संग डाउट हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, इसको आई इंटू ओमेगा लिख सकते हो, और दैट इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू ओमेगा, क्या है, जे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 J into ओमेगा। देखो आपस में कैसे रिलेशन निकलते जा रहे हैं, इसको ध्यान में देना, ठीक है। तो आपस में हम संबंधों को बनाते जा रहे हैं और उसकी सहायता से रिलेशन निकालते जा रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाई इक्वल टू आई इंटू अल्फा को डिफ्रेंशिएट करके और उससे क्या रिलेशन निकलता है। देखो, चूंकि हमको पता है ये नेक्स्ट रिलेशन है, सपोज ये 4 नंबर का, चूंकि टाई इक्वल टू हमने पढ़ा आई इंटू अल्फा, अब इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dTa/dt, क्लियर, इक्वल टू हो जाएगा, इसको छोड़ो एक मिनट, दूसरा रिलेशन बताता हूँ पहले मैं, इसको छोड़िए आप, इसको लास्ट में बताऊँगा। देखिए नेक्स्ट हम रिलेशन देख लेते हैं जे एंड टा में, 4th नंबर का ना, जे एंड टा, ये रिलेशन पहले देख लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। जे एंड टा में रिलेशन, जे क्या है और टा क्या है आपको पता है, ठीक है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। चूंकि हमको पता है जे इक्वल टू होता है, अभी हमने पढ़ा है देखो, ये जे इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ओके, तो हमको पता है जे इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, अब इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करने पर या अवकलन करने पर, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर दें टी के सापेक्ष, तो डी जे बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आई इंटू ओमेगा। दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं डी जे बाई डी टी इक्वल टू, आई कांस्टेंट है बाहर कर लें तो आई, और ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। दैट इम्प्लाइज डी जे डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू आई, और आपको पता है डी ओमेगा बाई डी टी को हम लिख सकते हैं अल्फा, ठीक है, क्यों, क्या है, कोणीय वेग होता है, सॉरी कोणीय त्वरण होता है, तो डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिख सकते हैं। आगे हम इसको देखें, आगे और साल्व कर सकते हैं इसको, तो क्या होगा, देखो, दैट इम्प्लाइज डी जे बाई डी टी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। देखो सब पीछे के रिलेशन से बनते जा रहा है, आई इंटू अल्फा को क्या लिखते हैं हम, टा लिखते हैं, तो यहाँ से डी जे बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, टा लिख सकते हैं। इस बोर्ड में यही फैसिलिटी है, देखो धीरे धीरे आप समझो, पीछे हमको ज़रूरत पड़ता है तो पीछे से अपन देख लेते हैं क्या पढ़े हैं, है ना, और पीछे ज़रूरत और उसको रिकॉल कर सकते हैं। बाकी जब अपन व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड में पढ़ाते थे, एक बार इरेज कर दिया, गायब, पीछे टॉपिक पर बात नहीं कर सकते, यहाँ कभी भी ज़रूरत है पीछे से रिकॉल कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया डी जे बाई डी टी इक्वल टू टा, और ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो हम पढ़ने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से जो पढ़ने वाले हैं वो यहीं से होगा, और वो कॉन्सेप्ट है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जैसे आपने रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा, उसी प्रकार से कोणीय संवेग रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल न लगाया जाए या बाह्य बल शून्य हो तो पिंड का संपूर्ण रेखीय संवेग क्या होता है, शून्य होता है, कांस्टेंट होता है। उसी प्रकार से कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग यदि किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल मतलब टा क्या हो, शून्य हो, इससे बन रहा है ये कांसेप्ट, टा यदि शून्य हो तो जे क्या होता है, वह कांस्टेंट होता है।
ये इसका सिद्धांत है। शब्दों में अपन क्या कहेंगे, यदि किसी पिंड पर बल आघूर्ण शून्य हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग सदैव नियत होता है। अब इस बात को चाहें तो हम बहुत आसानी से दो लाइन में प्रूफ कर सकते हैं। देखो जैसे उसको किए थे, प्रूफ बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, चूंकि हमको पता है कि डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू होता है टा, ये हम जानते हैं। बट हमको ये भी पता है इस सिद्धांत से कि टा क्या होता है, शून्य। तो टा को यदि हम शून्य कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देयर फोर डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। और कैलकुलस के कॉन्सेप्ट से हम ये बात जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, देयर फोर जे क्या हो जाएगा, वह कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि कैलकुलस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है दैट मीन्स वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, यदि किसी पिंड पर बल आघूर्ण शून्य हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग सदैव नियत होता है। तो ये मैंने आज आपको इसके बहुत से छोटे छोटे रिलेशन बताए, इसमें कन्फ्यूज मत होना, सब ध्यान से पढ़ना ठीक है, नहीं तो फिर आपको एक दूसरे में कन्फ्यूजन हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का कॉन्सेप्ट हमने देखा, जड़त्व आघूर्ण आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। फिर हमने देखा घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ ग्रायसन, ये के क्या होता है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा घूर्णन गति ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये देखा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। फिर देखा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग किस प्रकार से निकालते हैं अपन ठीक है, इसको हमने देखा एक्स वाई जेड एक्सिस पर। अब इसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण संबंध, ये पहला संबंध, दूसरा संबंध, तीसरा संबंध, सब संबंध आपको ध्यान में रखना है, याद भी करना है। इसके बाद चौथा संबंध, और इसके बाद हमने देखा कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक आपको इस क्लास में तैयार करना है। और इसके बाद जो मैं आगे टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लंब अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय और जड़त्व आघूर्ण, अलग अलग पिंड के जड़त्व आघूर्णों की गणना करेंगे। उस क्लास को देखने के पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे दूं कि आप लोग कैलकुलस इंटीग्रेशन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आगे जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें समाकलन का यूज़ होगा। तो मेरे गणितीय अवधारणा वाले वीडियो से आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू।